morning. Good morning to all our listeners. Today we have come up a new thing for you. It's not new per se, but then it's different. We'll be here to tell you ki small little things jo hum newborn care mein roz karte hain, usko hum demonstrate karke dikhayenge aapke liye. So myself, Dr. Prabjeet, with Sister Nisha and our Menequin baby Jumbo, we'll try to demonstrate all those little things in newborn care जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज के साथ हम रोज़ पूछते हैं अपने डॉक्टर से, जैसे कि डायपर लगाना है, कितनी देर में चेंज करना है, कब चेंज करना है, दूध पिलाना है, कितनी देर में पिलाना है, कैसे पिलाना है, कौन सा पिलाना है. सो वील बी कमिंग अप विद लॉट मैनी वीडियोज़ फॉर यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वन जिसमें हम आपको आज एक डायपर चेंज करके डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे. इसके साथ जो रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको वन बाय वन आंसर करेंगे. डायपर लगा सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर हाँ है, हम डायपर लगा सकते हैं. कितनी देर बाद चेंज करना है? एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे में हम डायपर चेंज करेंगे. डायपर कौन सा यूज़ करना है? कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है और आपका कंसर्न है, जिसमें आपने ध्यान रखना है कि बच्चे को कोई स्किन पे उसका एलर्जी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर डायपर एक डिफरेंट मटेरियल से बना है. सो यू हैव टू सी योर बेबी स्किन हाउ सॉफ्ट इट इज़, डिपेंडिंग अपॉन यू कैन यूज और चेंज द ब्रांड. डायपर 2 तरह का आता है, वन इज़ पैंट फॉर्म और दूसरा है जो हम पेस्टेड फॉर्म, जो बहुत पुराने आते थे. सो यू कैन यूज़ आइदर, दोनों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें ममा कम्फर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ जो आज हम डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे वो एक पेस्टेड वाला डायपर है. सो डायपर चेंज कितना फ्रिक्वेंटली करना है? एवरी 3 आवर्स. ये हमें 2 तरह से हेल्प करेगा, एक हमारे बच्चे को ड्राई रखने के लिए, और दूसरा इससे हमें ये गाइड मिलता रहेगा कि बच्चा यूरिन ठीक से पास कर रहा है कि नहीं, और वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है कि बच्चे को फीड कितना अच्छे से मिल रहा है. अगर बच्चा हर 3 घंटे में यूरिन पास कर रहा है तो ये सीधा सीधा गाइड है कि मामा का फीड एप्रोप्रिएट है, और जितना हम डाइट दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट है. सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी नीड when we need to change a diaper. Diaper change करते वक्त क्या कुछ चीज़ें हमें चाहिए हैं? सबसे पहले एक clean hands या एक clean wiped hands या एक sanitizer, कुछ भी हम use कर सकते हैं. Wash कर लीजिए या sanitize कर लीजिए अपने hands. एक clean diaper जो pasted या आपका pant style कुछ भी हो सकता है. Wet wipes जो हम बेबी को क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे. वी डू नॉट एंड्रोस एनी ब्रांड्स हेयर फॉर एनीथिंग, नाइदर फॉर डायपर नॉर फॉर वाइप्स. सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमें सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यहाँ रखे हैं. वाइप्स की जगह आप प्लेन ल्यूकवॉर्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इक्वली गुड एंड इफेक्टिव एज वेल. ड्राइनेस, और अगर हमें कोई एरिया सॉइल्ड एरिया ख़राब लगता है या वहाँ पर स्किन में कोई प्रॉब्लम लगती है, तो उस पर अप्लाई करने के लिए कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें हम तैयार रखेंगे. और दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखेंगे कि डायपर उतारते वक्त या पहनाते वक्त फर्स्ट फ्यू डेज़ में आपने ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्ड है, जो बेबी जिसके ऊपर क्लैंप लगा रहेगा जब बेबी डिस्चार्ज रहेगा, उसका ध्यान रखना है. इट शुड नॉट बी टच्ड विद योर सॉइल्ड हैंड्स, और इसके ऊपर डायपर भी कवर नहीं करना है, बिकॉज वो कई बार इंजरी कर सकता है, जो एक कंसर्न हो सकता है. अब हम आपको एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सिस्टर निशा एंड आर मेनिक्विन जम्बो. डायपर चेंज करने से पहले ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपने फीड कराए को ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो जाने चाहिए. जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हर 3 घंटे में करेंगे, तो फीड कराने से पहले डायपर चेंज करेंगे. एक सॉइल डायपर को एक क्लीन हैंड्स के साथ टच करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लीन और सैनिटाइज हैंड्स के साथ वील स्टार्ट आवर चेंजिंग प्रोसीजर. सिस्टर ने अपने हैंड सैनिटाइज कर लिए हैं, नाउ शी विल रिमूव द डायपर. अगर ये डायपर पेस्टेड है तो पेस्टेड रिमूव कर देंगे, अगर पैंट स्टाइल है तो आप दोनों तरफ से टियर कर देंगे. जो सॉइल डायपर है, लेग्स का चेंज करते हुए सॉइल डायपर को हम वहीं के वहीं पैक कर देंगे, सो दैट वो और ज़्यादा स्किन को या बॉडी को सॉइल नहीं करे. एक क्लीन वाइप्स के साथ और क्लीन वाटर के साथ हम पेरिनल एरिया, जो पॉटी एरिया है, उसको क्लीन करेंगे और वहीं के वहीं छोड़ देंगे उस एक वेट वाइप को. वील टेक अनदर वाइप, और इसके साथ हम यूरिनरी एरिया को क्लीन करते हुए फिर से वापस हम स्टूल एरिया को दोबारा से क्लीन कर देंगे, एंड वी रिमूव द
सॉइल डायपर। हमारे बच्चे को अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साथ के साथ दूसरा डायपर नहीं पहनाना है। इमीडिएटली दूसरा डायपर डालने की एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा एरिया जो हमने अभी अभी क्लीन किया, चाहे वाइप से या फिर वाटर से, वो गीला है। सो वी वॉन्ट इट टू बी ड्राई फर्स्ट। सो लेट इट ड्राई फॉर फ्यू सेकेंड्स, मे बी 10 to 15 seconds, और वो टाइम हम यूज़ करेंगे इस एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए कि कहीं कोई रेडनेस, ड्राइनेस या क्रैकिंग ऑफ स्किन तो नहीं है। इन केस यू फाइंड एनी रेड एरिया, रेड पैच और एनी क्रैक्ड स्किन, सिंपली पुट सम ऑयल ओवर इट बाय जेंटली मसाजिंग दैट एरिया। बट मेक श्योर व्हेन यू आर अप्लाइंग दैट इट शुड नॉट बी वेट एट ऑल। पानी और ऑयल अगर दोनों इकट्ठे रहेंगे तो उनका ड्राइनेस प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा, तो वो और भी ज़्यादा स्किन को ख़राब कर सकता है। सो वंस वी हैव इंस्पेक्टेड, वी हैव अप्लाइड ऑयल, वी हैव ऑलरेडी ड्राइड द एरिया, सो वील पुट अ क्लीन हैंड्स के साथ वील पुट अ क्लीन डायपर। क्लीन डायपर पहनाते वक्त हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो कॉर्ड है वो टच नहीं होगा। सो उसके लिए स्पेसिफिकली जब हम डायपर को पेस्ट करेंगे, या दूसरा डायपर अगर आप पैंट फॉर्म का डायपर पहना रहे हैं तो उसको जब रोल करेंगे तो जो उसका अपर सरफेस है उसको हम रोल बैक कर लेते हैं। वील ट्राई टू शॉर्टन द लेंथ एज इफ सिस्टर जी हैज रिसेंटली, ना अभी जैसे उन्होंने करके बताया, उसको हम रोल कर लेते हैं ताकि डायपर जब हमने पैक कर दिया, इट शुड बी नॉट टाइट इनफ, इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे को परेशान करे, और इतना लूज भी नहीं होना चाहिए कि उसका पर्पस लॉस्ट हो जाए या वो लीक कर जाए। सो विद दिस स्मॉल इन्फॉर्मेशन एंड अ स्मॉल एफर्ट, वी आर ट्राइंग टू गाइड यू कि डायपर लगा सकते हैं और उसको लगाने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या एक प्रॉपर टेक्निक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वील बी कमिंग विद मच मोर वीडियोज टू गाइड यू इन न्यू बॉर्न फीडिंग, हाउ टू हेल्प द बेबी इन बर्पिंग एंड मेनी मोर वीडियोज। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।